नमस्कार गाइज, आप सबको आज की न्यू वीडियो में, आज की इस वीडियो में साउथ इंडियन बैंक का शेयर प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ। कौन कौन सी लेवल टारगेट को, कौन कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करना चाहिए अगला 21 जुलाई के दिन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं जो गाइज इसका एनालाइज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पे। तो अगर गाइज स्टॉक को वीकली चार्ट पे व्यू करे, यहाँ से देखो काफ़ी अच्छा तेजी है, फिर डाउन, फिर तेजी, एक ब्रेकआउट भी दिया स्टॉक ने, अच्छा खासा आप जा रहा है। वीकली चार्ट पे देखा जाए तो इस पर अभी सबसे पहला रेजिस्टेंस जो व्यू देखने को मिल रहा है वो है लगभग 24 पे है इसका सबसे पहला काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अगर अगला रेजिस्टेंस इसका गाइस देखा जाए जो कि है काफ़ी ऊपर है, अगला रेजिस्टेंस लगभग 28.00 पर इसका अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ से अप गया, फिर डाउन, फिर ऊपर, ज़्यादा चांसेस है और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देने का। अगर डाउन जाता भी है तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ तक का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। तो इस पे अगर यहाँ पर MACD और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखा जाए, तो अभी अगर MACD को देखा जाए, MACD भी आप ट्रेंड की इंडिकेट दे रहा है, इसका भी वॉल्यूम अभी उतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर MACD 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखा जाए वो यहाँ पे है, स्टॉक हायर लो बना रहा है, तो इस लेवल के आसपास जाके फिर रिवर्स करेगा। लेवल पर फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग गाइस मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो चैनल का अबाउट पे कांटेक्ट मिल जाएगा।